सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो एक खूबसूरत दिन के साथ एक खूबसूरत व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है सुंदर शहर ज्ञान चूँकि मेरे रूम से, और अभी मैं रेडी हो चुका हूँ मार्केट जाने के लिए। साथ में मेरे साथ मेरा दोस्त भी है, तो चलो जी पहले मार्केट जाते हैं क्योंकि मार्केट में आज किसी विशेष वजह से जाया जा रहा है। कल हमने पूरा दिन फॉर्म भरने में लगा लिया था और आज का पूरा दिन हमारा मार्केट में होने वाला है। अभी मैं एक मस्त लोकेशन पे पहुंच चुका हूं और ऊपर देखो काली माता का मंदिर ठीक है यहाँ के ऊपर, और ये पूरा यहाँ ज्ञानसू का व्यू, मतलब इस छत से भी काफ़ी अच्छे अच्छे व्यू आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। अभी मैं मार्केट से अपने एक नए दोस्त के रूम पे आया हूँ और मैं मार्केट अकेले गया था, इतना दिमाग ख़राब हो गया है मेरा। अभी हरदीप की वजह से यहाँ पे हमारे प्रधान जी, एक ग्राम प्रधान, वहाँ पे मेरा काम था और हरदीप यहाँ मेरे दूसरे वाले दोस्त के यहाँ पे आया था। मैंने सोचा कि वो आगे निकल गया, उसने फ़ोन नीचे चार्ज पर लगा रखा था, और मैं मार्केट से आ गया हूँ। ज़्यादा कुछ तो मैंने दिखाया नहीं क्योंकि मेरा मूड ख़राब हो चुका था, और अभी ये लोग कह रहे हैं कि फिर से मुझे मार्केट जाना है इनके साथ, तो देखो जाता हूँ मैं कि नहीं। फ़िलहाल इसका रूम यहीं नज़दीक है, मार्केट ज़्यादा दूर तो नहीं है यहाँ से। तो 21 बार मैंने इसे कॉल करा और ये मस्त से वहाँ धूप सेक रहा था और मैं इसके चक्कर में मार के निकल गया। तो ये है नया दोस्त, शायद ये पहले भी आया है। लोग तो हम जा रहे हैं अभी मार्केट, जब गाय होने आ रहा। अभी मैं दूसरी बार मार्केट जा रहा हूँ और ये सब हरदीप की वजह से हुआ, और मार्केट में हमारा तो कुछ काम है नहीं, बस ऐसे ही हम घूमने को जा रहे हैं क्योंकि हरदीप और नरेश पाल दोस्त हैं पहले से और हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, तो घूमने जा रहे हैं। और नरेश पाल थोड़ा शर्मा रहा है ना ब्लॉग में आने को, हमेशा नहीं आता है, हरदीप को अब आदत हो गई है, तो ये कह रहा है कि मुझे मन निकाल दो भाई, मैं सीधा अपलोड कर दूंगा इस पार्ट को भी कि इसकी जंगली हरकतें देखो। अभी हम मार्केट में पहुंच चुके हैं और वो दिन कभी नहीं रहता है मार्केट में जब हम यहाँ पे नहीं आते हैं गंगा घाट पे। गंगा घाट से यहाँ पे आ गए हैं जड़ भरत घाट पे, और जो भी घाट बनाए हुए हैं काफ़ी अच्छी तरह पे यहाँ पे उसकी साज सज्जा करी हुई है बैठने के लिए, और हर घाट के बगल में एक मंदिर जरूर है, और यहाँ पे तो पीपल का वृक्ष भी है। तो कल शनिवार है, तो कल शनिवार को मुझे पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाना है, शायद मैं यहीं चढ़ाऊँ। और आज का दिन हमने घूमने के लिए रखा हुआ है, तो जितना हम आज घूम सकेंगे उतना घूमेंगे क्योंकि हम बहुत समय के बाद मिल रहे हैं। मैं और हरदीप तो मिलते ही रहते हैं लेकिन जो नरेश पाल है वो हमें बहुत कम मिलता है, तो आज हमने सोचा कि ना घूम के आए। और ये मेरा दूसरा चक्कर है, और यहाँ पे ये लोग मिलते ही यहाँ पे फ़ोटोशूट करने लग गए हैं, तो चलो थोड़ा और घूमते हैं। आप भी यहाँ का आनंद लीजिए हमारे उत्तरकाशी बाज़ार का, और वीडियो को लाइक नहीं करा है अभी तक तो लाइक कर दे। अभी हम दो घाट में घूम लिए हैं और अभी जा रहे हैं हम तीसरे घाट यानी केदार घाट, जो कि हरदीप और नरेश पाल के मोक्ष का घाट है। आज इन्हें अंतिम संस्कार करवाना है, अंतिम दर्शन बोले तो अंतिम बारी। कॉलेज नहीं है खुला, अगर कॉलेज खुला होता तो मेरा कॉलेज में काम था। आज इगास पर्व है, तो सबसे पहले आप सभी को इगास की ढेरों सारी बधाई। और अभी हम वहाँ मेन मार्केट से यहाँ कुटैटी माता वाली रोड पे आ गए हैं, और अभी हमारी तैयारी है तिलोथ जाने की। सामने पे तिलोथ है, फिर वहीं से हम तिलोथ पुल से होते हुए मार्केट जाएंगे, आज पूरा यहीं घूमेंगे। और जो यात्री गंगोत्री की यात्रा पे आते हैं और केदारनाथ अगर उन्हें जाना होता है तो इसी रूट से वो लंबगांव होते हुए जाते हैं, इस वाली रोड से, ये वाली रोड जाते हैं लंबगांव श्रीनगर के लिए। और मैं भी श्रीनगर इस रोड से कई बार गया हूँ, वो भी इसके साथ हरदीप के साथ। नरेश पाल कभी भी श्रीनगर नहीं गया है, गया है ना गोचर गया, गोचर। और जैसे ही मतलब मैं कुछ बोल श्रीनगर नाम के लिए क्योंकि उसने कुछ भी नहीं देखा श्रीनगर का। हाँ, और जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ ना तो नरेश पाल अपने जंगली हरकतों में उतर आ रहा है, कभी मुझे पीछे से खींच रहा है, कभी मुझे मार रहा है, जंगली प्रवृत्ति के। तो जब भी मैं और नरेश पाल मिलते हैं तो ऐसा ही होता है, हमारी मतलब लड़ाई होती रहती है, तो हरदीप है जो कि हमारी लड़ाई सॉल्व करता है। और मेन रोड तो हमने ऊपर छोड़ दी, और ये लोग पता नहीं किस किस रास्ते से आज जा रहे हैं और मुझे भी ले जा रहे हैं। तो यहाँ से एक रास्ता है सीधे तिलोथ पुल पे, और ठीक वहाँ ऊपर है वरुणावत पर्वत यानी वी टॉप, जहाँ से हमारे सुंदर शहर उत्तरकाशी का काफ़ी अच्छा दृश्य देखने को मिलता है। मैं जा रखा हूँ वहाँ एक बार, लेकिन उस टाइम पे मैं व्लॉग नहीं बनाता था, लेकिन जब फिर से जाऊँगा तो दिखाऊँगा आपको, ऐसे आपको पता ही होगा। तो ये सामने ऐसा देख रहा है कि जैसे मैं इसे यहाँ से फेंकूँ यहाँ नीचे, और इसका राम नाम।
और ठीक यहाँ पे है तिलोत का पावर हाउस, जहाँ से हमारे लिए बिजली उत्पादित की जाती है। सुंदर सर उत्तरकाशी के लिए बिजली यहीं से जाती है। तो चलो जी, आज अपने दोस्तों के साथ हमें ऐसे ऐसे रास्तों पे भी आने का मौका मिल गया है जहाँ हम लगभग कभी नहीं आते थे। तो अभी हम मार्केट की गलियों में पहुँच चुके हैं और हरदीप ले रहा है यहाँ पे सब्जी के बीज। तो देखो जी, हमें यहाँ पे कौन मिल गई। हेलो पूनम, कहाँ जा रही? जब भी मार्केट में आते हैं तो एक बार काशी विश्वनाथ महाराज के दर्शन भी हो ही जाते हैं। अभी हम मार्केट से घूम घाम के थक थक के आ गए हैं। नरेश पाल चले गए अपने रूम पे और अब समय आ गया हरदीप को भी बाय बोलने का। बाय, अब ये बहुत दिनों के बाद मिलेगा मुझे, मतलब मेरी तरफ से 10 रुपये। ओके बाय। क्या ढाई बज गए हैं, दिन का खाना मेरा हो गया। अभी मैं अपने छत के ऊपर आ रखा हूँ और देखो मैंने कचमोली तैयार कर लिया है। परसों एक दिन मैंने घर में बताया भी था कि मार्केट में कचमोली खाने का बहुत ज़्यादा मन होता है, लेकिन यहाँ पे घर की दही नहीं है। ये दही मैंने ऊपर दुकान से ली, लेकिन पिसा हुआ नमक घर का ही है जो कि भाभी ने मेरे पीसा था। तो चलो जी, कचमोली तैयार करते हैं और आज इतनी सारी मैं और मेरा दोस्त ही खाएँगे। चलो बना लेता हूँ एक बार इसे। रात के करीब 8 बज गए हैं और सर्दियों के दिन में जल्दी ही खाना बन जाता है, तो रात का खाना भी मेरा हो गया है। आशा करते हैं कि आपने वीडियो पूरी देखी होगी, आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और कल शनिवार है और मुझे कहा गया था कि शनिवार को मुझे हनुमान चालीसा का पाठ करना है और मैं पहले ही दिन भूल गया क्योंकि यहाँ पर हनुमान चालीसा नहीं है। तो देखते हैं कल क्या होता है और मैं मिलता हूँ और इस वीडियो को कर लेते हैं यहाँ पे क्लोज। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में नई लोकेशन, नई बातों और नई आशाओं के साथ। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहिए, पुराने वीडियो को ढेर सारा प्यार देते रहिए।